हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम लोग तैयार होकर कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं धीरे धीरे आगे आपको ब्लॉग में पता ही चल जाएगा। चलिए अभी ऑटो ले लेते हैं। दादू हाई करो, दादू हाई करो, दादू हाई। काफ़ी धूप हो गई तो लादू को देखिए मैंने कैप लगा दिया, कैसे क्यूट लग रही है ना। ऑटो नहीं आ रही लादू, ऑटो रुकाओ, ऑटो ऑटो रुकाओ, ऑटो को रुकाओ, आप रुकाओ ना लादू को। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैं घर से निकली, ऑटो ली, स्टेशन आई, स्टेशन से फिर ट्रेन में बैठी, और ट्रेन में बैठकर मैं आ गई हूँ अपनी सबसे बड़ी वाली जेठानी के घर पे। जी हाँ, वैसे तो आप लोगों को पता है मेरी कोई सगी जेठानी नहीं है, तो जो लोग मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं उनको तो ये बात पता है, जो नहीं फॉलो करते उन लोगों के लिए बता दे रही हूँ जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे होंगे। ये हमारे खानदान, मतलब मेरे खानदान में है, मेरे पटेदार की हैं, तो मेरी जेठानी है उनके सबसे बड़े लड़के का, और हमारे फैमिली में सबसे बड़े लड़के का ये जेठानी यही है, रेड साड़ी दिखी ना, इन्हीं के बड़े बेटे का यहाँ पे बरक्षा होने जा रहा है, तिलक होने जा रहा है। तो हमारे में जो ये बरक्षा वाली रस्म होती है ना, इसमें लड़की का भाई लड़के के घर आता है, और कुछ फ्रूट्स और वो सब जो फॉर्मेलिटीज़ होती है थोड़ी सी मंत्रों के साथ की जाती है, और मतलब आज के दिन शादी की डेट भी फिक्स की जाती है। तो जैसे कि हमारा ये सब कार्यक्रम हो रहा था, तो इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं, मेरे खानदान के काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, मेरे घर से सभी लोग आए थे। पहले तो मेरा प्लान था मैं अपने घर वालों के साथ ही आने वाली थी, फैमिली मेम्बर्स के साथ, चाची वगैरह के साथ, बट नहीं आ पाई बिकॉज बच्चे के साथ तैयार हो पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और ये यहाँ पे ये मेरी सेकंड नंबर वाली जेठानी है, और ये थर्ड नंबर वाली जेठानी है। तो ये जो तीनों मैंने आप लोगों को दिखाना है, तीनों सगी हैं और मेरी चचेरी जेठानियाँ हैं। तो हम लोग देख रहे थे वहाँ पर छुप छुप के, मतलब जो पर अच्छा हो रहा था बिकॉज सारे जीट जी वहाँ पर खड़े थे ना, तो टच भी नहीं होना चाहिए, हमारे में काफ़ी रिचुअल्स हैं ऐसे, आप लोगों को तो पता ही है। और ये देखिए यहाँ पर हमारे खानदान के सभी, मेरे तो सारे जीट ही लगते हैं यहाँ पे, और सबका डांस चालू है, बहुत मज़ा आया था गाइस, बहुत ज़्यादा, सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। और देख रहे लाडो अपने दादा के गोदी में है, जी हाँ, मेरे छोटे वाले चाचा जी लाडो को लेके खूब खिला रहे थे, उसके साथ खूब डांस कर रहे थे। और ये मेरे जीट जी से जो गए, जिनके लड़के के यू नो तिलक चढ़ रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ काफ़ी बहुत मज़ा आया था, बहुत इन्जॉय किया था मैंने, तो बहुत डांस किया, बट आई एम सॉरी मेरे डांस की कोई क्लिप ही नहीं है मेरे पास। और ये है हमारी, मतलब मेरी ननद, ये दोनों मेरी ननद ही है, ज्योति दीदी और पूजा, तो ये लोग भी डांस कर रहे हैं। मेरे घर के सारी औरतों ने डांस किया था, हम मैंने भी किया था, बट मेरा कोई क्लिप वेप रिकॉर्ड नहीं हो पाया, और मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही थी बिकॉज मैं कभी अपने हस्बैंड के सामने कभी ऐसे डांस वांस नहीं किया था। और वहाँ पे काफ़ी मेल्स भी हमारे घर के थे ना, हालांकि कोई देख नहीं रहा था ऐसे कि हम लोग को डांस करते वक्त, लेकिन एक मन में आ जाता है ना थोड़ा सा झिझक से, तो थोड़ा मैं उतना फ्री होकर डांस नहीं कर पा रही थी, इसलिए मेरा वीडियो वगैरह भी ज़्यादा नहीं है। और मेरी सारी जेठानियाँ तो एकदम धमाल मचा रही थी डांस करने में, मैं आप लोगों को बता दूँ, वैसे भी वो लोग बहुत अच्छा डांस करती हैं, और ऐसे फंक्शन में तो एकदम चार चांदी लगा देती हैं, ये देख रहे हैं ना आप लोग। और ये गाना है कट्टों की लहरी वाला, मैं क्या करूँ, कॉपीराइट की वजह से ना मैं गाना यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ, मेरा तो बहुत मन था कि मैं आप लोगों को ना ऐसे रॉ फुटेज दिखाऊं, बट आप लोगों को पता है कि इसमें कॉपीराइट का इशू बहुत जल्दी आ जाता है यूट्यूब पर, तो इसी वजह से आप लोग ऐसे इन्जॉय कर लीजिए दोस्तों। आई एम सो सॉरी फॉर दिस, बट सच बता रही हूँ ये दिन मतलब बहुत यादगार रहा, और सोचे ना इतनी कम उम्र में मैं सास बनने जा रही हूँ, दिस इज़ सो एक्साइटिंग फॉर मी।
और हाईलाइट ऑफ द इवेंट तो आप लोगों ने देख लिया ना, वो जो डांस की जो डांस कर रहे हैं ना, ये लड़के के दादा हैं जी हाँ, देख लीजिए, मतलब सगे दादा नहीं है लेकिन फिर भी मतलब उनके दादा के सगे भाई ही हैं। तो देख रहे हैं ना आप लोग कितना ज़्यादा अपने पोते की शादी में वो खुश हो रहे हैं, और ये मेरे ससुर जी है पापा, पापा को भी यहाँ पर मतलब मेरे एक जेठ जी खींच कर ला रहे हैं। मतलब सच बताओ सब लोग ही काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, और मतलब घर का पहला लड़का है किसी का पहला नात हमारा घर का, मतलब तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी सबको, सब लोग बढ़ चढ़ कर यू नो नाचने में गाने में हिस्सा ले रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे। ये पूरा इवेंट बहुत ही अच्छा रहा था, मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड हम लोग तो बस अब शादी की वेट कर रहे कि कितने जल्दी शादी हो मतलब शादी का दिन करीब आए और हम सारे लोग इकट्ठा हो। ये देखिए लाडो अपने चाचू के साथ डांस कर रही है, मतलब लाडो तो मतलब खूब इन्जॉय कर रही थी, लाडो भी सिद्धार्थ भी सब लोग, मेरे घर के सारे बच्चे देख रहे हैं आप लोग, बहुत इन्जॉय कर रहे थे, मतलब बच्चों से लेके बूढ़ों तक ने इस यू नो इस पूरे परीक्षा का मतलब पूरा इन्जॉय किया, सब ने खूब मजे किए, डांस किए, नाच गाना, मतलब भरपूर आनंद आया, मतलब क्या बताओ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और ये देखिए यहाँ पर हम लोग खाना खाने बैठे हैं, और ये देखिए लाडू सोकर उठ के आ गई, मुझे परेशान करे वॉइस में नहीं करने दे रही है, क्या हुआ लाडू, वन सेकेंड। तो ये देखिए खाना हम लोग यहाँ पर खा रहे हैं सभी लोग घर के, हम लोग इतने डांस करने में बिजी थे तो हमारे जेठ जी पहले आए, बोले म्यूज़िक को बंद करा, बोले पहले आप लोग खाना खाइए फिर म्यूज़िक लगेगा, और ऐसा करने के बाद हम लोग खुद डांस करने लगे। तो ये हुआ था हमारे घर पे, हमारे घर की औरतें एक बार नाचना शुरू कर देना तो उनको कोई रोक नहीं सकता। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये मतलब वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और चलिए गाइस मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।